कायल करना तुम्हारा काम है। मेरा वादा है कि वो तुम्हारी अमानत है। आप सबकी ख्वाहिश थी कि लाइव इसका से चली जाए, वो जा चुकी है। You should be happy. तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा। वो तुम्हें बहुत चाहती है, यकीनन तुम्हें माफ कर देगी। मीना मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। क्या कर करोगे मुझसे? गलती फारिस की, बच्चों को मटाने। अगर तुम चुप कर जाओ फारिस, तुम्हारी जिगर कैसे? तुम मेरे बच्चों को यूज कर रहे हो अपने मकसद पूरे करने के लिए। एक्सक्यूज मी, आप एग्जैजरेट ना करें तो बेहतर होगा। आपके बच्चों ने कहा था आइसक्रीम खिलाना है और मैंने ले गया। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उन्हें खिलाने नहीं लाइबा की तरफ लेके गए थे। क्या तमाशा, क्या तमाशा है? भाई भाभी, आपको तो मेरी बातें वैसे ही बुरी लगती। आज से मेरे बच्चों को मेरी इजाजत के बजाय बाहर का रास्ता दिखाया, कल वो खुद निकल जाएंगे तो फिर? फारिस चचा है हमारा। बोलो क्यों? कोई भी गलत बात बताया ना? चचा ये बाद में है, पहले वो मेरे बच्चे हैं। तुमसे किसने कह दी कि सब तुम्हारे बच्चे? उनको अपना यहाँ हमारा भी है जो तुम्हारा। उन्हें देखकर हमारी आंखों को जो खुशी मिलती है उसे नहीं देख सकती। अलग समझा इसे, वो दोनों हमारे गुलशन के फूल हैं, जिन्हें हम सबकी मोहब्बत ने परवान चढ़ा है। सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम दोनों के हवाले कर देते तो तुम्हारे आपस के झगड़े उन्हें बिल्कुल ही बर्बाद कर देते। बारिश ने ऐसा क्या कर दिया जिसमें तुम तूफान उठा रही हो? बच्चों को अगर हारे लाइब और दादी की याद आती तो उसमें उनका हरस क्या है? उनका तुम मोहब्बत क्या तो मजबूत है? तुम लोगों ने हमें कभी अपना नहीं समझा, न चाहा है। शजवे और आदिल को देखकर तुम लोगों का बचपना याद आ जाता है। देखा किस तरह खेल रहा था उन लोगों के साथ। जी दादी, वैसे तो सारा दिन घर में अकेला होता है, आज तो खूब खेला है इसलिए अब थक कर सो रहा है। तुम आयतल कुर्सी पढ़कर ना इस पर फूंक देना, हंसते हुए बच्चे तो फरिश्तों को भी लगते हैं। जी दादी। क्यूटी पाए, क्या हुआ? अगर तुम मुझे इस तरह की नजरों से नहीं देखोगी तो बेहतर होगा। वो मेरा दिल है ना, बहुत कमजोर है। मीना, मैं जानता हूं तुम बहुत डिस्टर्ब हो, लेकिन खुद को इस तरह टॉर्चर क्यों कर रही हो? इस तरह तो मर जाऊंगी ना। मीना, दिस इज नॉट फेयर। आई एम वार्निंग यू कि आज की बात तुम इस किस्म की बात नहीं करो। से पहले मैं मर जाऊंगा। कोई किसी के लिए नहीं मरता, देख लिया मैंने। ये सब कहने की बातें हैं। तुम रोहान की बात कर रही हो ना? उसका तो नाम भी मतलब तुम मेरे सामने। मीना, दिस इज नॉट फेयर। जब तुम उनके बारे में कुछ जानती नहीं हो तो इस किस्म की बात भी मत करो। कर सकती हूँ मैं, पूरा हक बनता है मुझे। दिल तो चाहता है शूट कर दूं उसे, और तुमने क्या अच्छा किया मेरे साथ? उसे जाके मिल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। एंजॉय? रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड। मिल रहा हूँ, एंजॉय नहीं कर रहा, और मिल इसलिए रहा हूँ कि मुझे उनकी परेशानी की समझ आ चुकी है। परेशानी? क्या गारंटी तुम्हारे पास कि इस दफा वो सच बोल रहे हैं? मीना, यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, तुम हद से ज्यादा बदगुमान हो चुकी हो और कुछ नहीं है। बदगुमान हो चुकी हूँ और किसी को कोई जरूरत नहीं मेरे पास आके मुझे कुछ कहे। सबको अपनी अपनी खुशियों की पड़ी। लिसन टू मी, मेरी बात सुन। अभी इसका गुस्सा बहुत है, जरा ठहर जाए फिर। कुछ दिन और गुजरेंगे तब इसको समझ आ जाएगी खुद ब खुद। गुस्सा तो दिलों पे स्याह पर्दा डाल देता है, इसमें भला फिर कैसे
कोई तस्वीर वाजिया हो। एनीवे मीना, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे, मेरा मतलब है तुम दोनों के साथ हैं। आप इतनी चुप क्यों हैं? अकेली क्यों बैठी हैं? घर पे कोई नहीं? भाभी मैं चलता हूं। आपको हारे भी याद आ रहा है ना? भाभी आपको अब भी लाइबा गलत लगती है? मुझे नहीं मालूम कि लाइबा गलत है या नहीं, मगर हारिब तो मासूम है, फरिश्ता है, मुझे बहुत याद आता है। आप कहें तो मैं हारिब को ले आऊं? नहीं, ये कैसे मुमकिन है फारिस? इसमें नामुमकिन वाली भी कौन सी बात है भाभी। अच्छा तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। तुम यहां किस लिए आए हो? लाइबा के लिए या मीना के लिए? मैं यहां ना तो लाइबा के लिए आया और ना ही मीना के लिए। मैं अपने दिल से वो फांस निकालने आया जिसकी चुभन मुझे जीने नहीं देती। मेरा यकीन करें भाभी, जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ, अनजाने में हुआ। मैंने जब लाइबा को इस घर में देखा तो मैं परेशान हो गया था, लेकिन इसलिए नहीं कि लाइबा क्या सोचेगी, बल्कि इसलिए कि कहीं मीना कुछ गलत ना सोच ले। भाभी लाइबा मेरा गुजरा हुआ कल था और मीना मेरा आज है, और मैं अपने आने वाले कल में भी मीना को देखता हूं। मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करें, मुझे माफ कर दें भाभी, मैं मीना को बहुत चाहता हूं, बहुत चाहता हूं। रोहन, मैं अगर तुम्हें माफ भी कर दूं तो बाकी तुम्हारी यहां आने की जुरत कैसे हुई? तुमने हिम्मत कैसे की? वो मैं तो भाभी से मिलना। भाभी की ममता और मासूमियत को अपने लिए छांव मत समझो। असद, होश में रह के बात करो। नहीं, इसमें इनका कोई कसूर नहीं, कसूर तो मेरा है, और मेरी इस गलती की सजा असद भाई जो भी। भाई मत कहो मुझे,
कोई रिश्ता नहीं मेरा तुम्हारे साथ, दबा जाओ यहां से। क्यों क्यों जाऊं? नहीं जाऊंगा मैं, और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनते या फिर भाभी मुझे माफ नहीं करती। और ये जुर्रत ना करो, दबा जाओ। अच्छा, अपने गुस्से पे काबू क्यों नहीं रख सकते तुम? अगर उसको ज्यादा चोट लग जाती तो वो तुम्हारी भाभी से माफी मांगने आ रहा है।